शहर से 13 किलोमीटर दूर शिवगढ़ नाम का एक गांव है। सुना है 30 साल पहले वहां पर एक असाइलम हुआ करता था। उस असाइलम में जाने वाला एक अच्छा इंसान भी पागल हो जाता। जब इन सब से अतीत के बारे में पूछा गया तब उन सब के जहन में सिर्फ एक ही नाम आया था, माया। माया मैथ्यूज मेरी कहानी की असली हीरोइन है। उस बुक में जिस लड़की की कहानी बताई है वो सच है, नाम है माया मैथ्यूज। माया कोई झूठी कहानी नहीं है वसंत। उस कहानी में बताया गया है कि माया का नाम नहीं लेना है। माया, तुम्हारा बच्चा मेरे पास नहीं है। अरे सुनना, ब्लडी मेरी के बारे में सुना है क्या? क्या बोला? ब्लैकबेरी? क्या ब्लैकबेरी? अरे नहीं यार, वो नहीं। अरे सारे पेपर्स में जिसका जिक्र हो रहा है ना, ब्लडी मेरी दो बार कहोगे तो तुम्हें भूत दिखाई देती है, पता है ना? क्या यार, इतनी रात गए मैं ही मिला तुझे खिंचाई करने के लिए। इन सब पर तुझे विश्वास नहीं है? किस पर? क्या बात कर रहा है तू? ठीक है, कार्ड डाल तू। यार कल रात एडिटर ने कहानी मेल की थी, भूत की कहानी। पढ़कर खत्म करने के बाद उसके स्केचेस भी बना दिए। यार 6 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ पर आज तक इस तरह मैं कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। आसपास क्या होता है मुझे कुछ भी होश नहीं रहता। पर कल रात 12:05 पहले सडनली मेरे रूम से एक दुर्गंध आनी शुरू हो गई। हम जब हॉस्पिटल में किसी से मिलने जाते हैं ना, वैसी ही स्मेल। दुर्गंध आई और उसके बाद तुरंत चली भी गई। वैसे मेरा भूत जैसी चीजों पर कोई विश्वास तो नहीं है, लेकिन फिर से एक आवाज आई। कैसी आवाज? कौन है भाई, वो भी इस वक्त? चल छोड़, मैं तुझे उस कहानी की एंडिंग सुनाता हूँ, सुनेगा? शिवगढ़ नाम का एक गांव, और उसी गांव का एक आदमी रात के सुनसान अंधेरे में भाग रहा है। हाथ में टॉर्च है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और उसके दोनों हाथ खून से रंगे हुए थे। भागते भागते वो एक बड़े से खंडर के गेट के पास आ जाता है। वो बहुत डरा हुआ था और उसकी सांसें बहुत ही जोरों से चल रही थी। फिर भी उसने डरते डरते अपने कदम खंडर में रख ही दिए, और कदम रखते ही उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो डर कर कहता है, माया तुम्हारा बच्चा मेरे पास नहीं है, माया तुम्हारा बच्चा मेरे पास नहीं है, माया तुम्हारा बच्चा मेरे पास नहीं है। ऐसा वो 3 बार कहता है। 3 बार कहने के बाद वहां पर एक दुर्गंध आना शुरू हो जाती है, और अगले ही पल उसे अपने सामने एक शक्ल दिखाई देती है। एक बड़े बालों वाली औरत एक आदमी को पकड़कर खींच रही है। वो जैसे ही उसे खींचती है तो वो आदमी जोर जोर से चीखता है। कुछ देर बाद एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर क्या हुआ? पता नहीं, मैंने आगे नहीं पढ़ा। बस क्या, मुझे डर आ रहा है, मैंने आज तक ऐसी कोई कहानी नहीं सुनी। उस कहानी के साथ साथ एक नोट भी अटैच की हुई थी, और उस नोट में लिखा था कि अगर माया की कहानी जानना चाहते हो तो माया का नाम 3 बार लेना होगा। ये 3 बार लेने का क्या मतलब है? अगर मैं 4 बार लूंगा तो सुनाई नहीं देगा क्या? बेवकूफ बनाता है। ए, अरे मैंने भी तो ये किया। कल रात सारी लाइट्स ऑफ करके एक कोने में बैठकर बिना कोई आवाज किए 3 बार मैंने माया का नाम लिया। तू यकीन नहीं करेगा, जैसे ही मैंने नाम लिया मेरी आंखों पर किसी ने हाथ रखा। फिर मैंने डर के मारे जल्दी से उठकर लाइट ऑन की तो वहां कोई नहीं था।
मतलब कोई इस घर में आता है और तेरी आंखें बंद करता है? बेवकूफ समझे। तुझ पर बीतेगी ना तब समझेगा। ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूँ, ट्राई करके देखते हैं, चल। ए, ट्राई क्या करना है, मैं ये सब वापस नहीं करूंगा। क्यों, करंट नहीं होने से माया नहीं आएगी क्या? देख भाई, ये मजाक का वक्त नहीं है, मेरी बात मान। चलना ट्राई करते हैं। ए, तू मान क्यों नहीं रहा है? ए, नहीं यार, ए। माया, तुम्हारा बच्चा मेरे पास नहीं है। माया, तुम्हारा बच्चा मेरे पास नहीं है। ए, चुप रहना यार। माया, तुम्हारा बच्चा मेरे पास नहीं है। क्या हुआ, अभी तक आई क्यों नहीं? ए, मुझे वही हॉस्पिटल वाली स्मेल आ रही है। ए, पगार सोने का मिलता है क्या? कौन है ये? नई लगती है। कैथरीन राइटर है, रिसर्च करने यहां पर आई है। क्या है ये, किससे पूछकर तुमने ये अपलोड किया? हाँ, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? देखो वसंत, पता नहीं तुम्हें इसमें विश्वास है या नहीं, लेकिन इस वीडियो को अपलोड करके तुमने गलत किया है। क्या गलत किया है? उस बुक में जिस लड़की की कहानी बताई है वो सच है। नाम है माया मैथ्यूज। जब मैं अंदर बैठा था तो मेरे साथ एक मोटा आदमी था, पता है वो कौन है? उस एरिया का फॉरेस्ट गार्ड। उसने जो बताया उस पर तुम विश्वास नहीं करोगे। माया कोई झूठी कहानी नहीं है वसंत। उस कहानी में बताया गया है कि माया का नाम नहीं लेना है,
कल अगर तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को कुछ हो जाए तो तुम क्या करोगे? चलो मान लेते हैं तुम सही कह रहे हो, तो फिर वहां माया क्यों नहीं आई? किसने कहा नहीं आई? हेलो सर, इस हफ्ते की कहानी बहुत अच्छी थी। कल तुम्हारे घर पर और कितने लोग थे? मैं, मेरा दोस्त और उसकी पत्नी। क्यों पूछ रहे हैं सर? पूरे यकीन के साथ कह रहे हो? हाँ सर। आयुषा? हाँ सर, क्यों? तो फिर ये कौन है? कल सही नहीं और किसी की परफॉर्मेंस, सब यहाँ हीरोइन बनने आ जाती है। सर। अप्सरा बैठिए। ऑल द बेस्ट। इससे पहले भी मैंने तुम्हें कहीं देखा है, किसी फिल्म में एक्ट किया है कि तुमने? सर, वो अर्जुन सर की बीवी है। अब वो दोनों साथ नहीं रहते। सॉरी, अपने डायलॉग देख लीजिए। इसकी जरूरत नहीं है, मैं एक सीन बताता हूं, तुम इम्प्रोवाइज करना। तुम्हारा नाम है माया, उम्र 23 साल, लव मैरिज की है। तुम अपने पति से गुस्सा हो क्योंकि एनिवर्सरी के दिन दो बातें सामने आती है, तुम्हारे पति का दूसरी औरत के साथ अफेयर है और दूसरी बात तुम प्रेग्नेंट हो। उस दिन डिनर के बाद इस जूस में तुमने जहर मिला दिया है। मान लो मैं ही तुम्हारा पति हूं। मैं 2 मिनट में मर जाऊंगा, तो अपने पति को आखिरी बात क्या कहोगी? एक्शन। कट। हे, तुमने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आरकी वाज सो इम्प्रेस्ड। कल रात कितने बजे सोई? तुमसे पूछ रही हूँ। पिछले एक हफ्ते से तुम ठीक से सोई नहीं। देखो, पहले तुम अर्जुन से बात करो, जैसा कहती हूँ वैसा करो। कल शाम को 6 बजे मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स की है। कौन सा अपॉइंटमेंट? काउंसलर, मेरा फैमिली फ्रेंड ही है, एक बार जाकर बात तो करो, यू विल फील बेटर। ए, उस एटीएम के पास जरा रोकना, 1 मिनट के लिए।
अभी तक पेमेंट नहीं आया, कौन सी कंपनी है ये? बहुत पहले फ्रेम स्टूडियो के लिए ऐड किया था, वही है वो। सही डेट पर डाला था ना? कल फिर एक बार चेक कर लेना, कल अगर क्रेडिट नहीं हुआ तो सीधे प्रोड्यूसर के ऑफिस चले जाना। नंबर यू आर ट्राइंग इज स्विच्ड ऑफ। ये दूसरी बार हो रहा है, मजाक चल रहा है क्या? बाउंस हुआ ना तो ऐसे ही मत छोड़ देना, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। क्या हुआ, उठा नहीं रहा है क्या? द नंबर यू आर ट्राइंग इज स्विच्ड ऑफ। आइंदा कुछ भी हो सिर्फ कैश ही प्रेफर करना। इस महीने कब पैसे देने? मैंने कल ही दे दिया था। मैं तुम्हें दो दिन में देती हूँ। तुम सिर्फ अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करना, काफी है। खर्चे के लिए पैसे है तुम्हारे पास? पता है? उस बुक के नीचे ठीक से चेक करना। यहाँ नहीं है। स्वाति जरा देखना कौन है। अर्जुन आया है। इस रूम में लाइट ऑफ मत करना, कितनी बार कहा है? मैंने नहीं किया। हेलो, तुम्हारा पति आया है। किस लिए? ये क्या बात हुई, तुम्हें और मीरा को देखने, और किस लिए? सो गए कहना। अप्सरा तुम मुझसे इतनी नफरत करो, ऐसी कोई गलती अर्जुन ने नहीं की है। किस बात का इतना ईगो? हाँ एक बार शादी कर ले फिर बताती हूँ। चेक दिया तो मत लेना। तुम और अर्जुन देख लो, मुझे बीच में मत घसीटो। दो दिनों में कॉन्टेस्ट अनाउंस होगा, 5 लाख रुपए मिलेंगे पता है, इस पिक्चर को अकेले प्रीव्यू थिएटर में बैठकर देखने के लिए। 5 लाख रुपए? ये फिल्म इतनी भयानक है क्या? सब पब्लिसिटी स्टंट्स हैं यार। इससे पहले फूंक 2 जो हिंदी में बने उसमें भी ऐसे पब्लिसिटी स्टंट्स किए। अपने इस फिल्म को बने हुए 7 महीने हो गए पर अभी तक कोई डिस्ट्रीब्यूटर इसे लेने के लिए तैयार नहीं। प्रोड्यूसर ने बहुत जगह से इस फिल्म के लिए लोन उठाया और अब फंस गया है। क्यों, फिल्म अच्छी नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है, वैसे मुझे तो बहुत अच्छी लगी फिल्म। आजकल भूत की फिल्में सब एक जैसी होती है, तुम्हारी फिल्म में कौन सी खास बात है?
माया के बारे में सुना है? बहुत ही भयानक कहानी है। हमने इसे शिवगढ़ में शूट किया, ऊपर से नाइट शूट। वहां जाने के बाद ही भूतों पर विश्वास हुआ, पता है? कॉन्टेस्ट का आइडिया भी मुझे वहीं से मिला। इस कॉन्टेस्ट में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है? 5 कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, फिल्म की ड्यूरेशन 2 घंटे है, इंटरवल नहीं होगा, बीच में से बाहर नहीं आ सकते। कंडीशन नंबर 2, फिल्म देखते वक्त अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो ये डायरेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, लिख कर देना होगा। इतनी भयानक मूवी है? सुनो तो सही। कंडीशन नंबर 3, पिक्चर देखते वक्त आंखें नहीं बंद करनी है, नॉर्मली ब्लिंक कर सकते हैं, कैमरा से तुम्हें मॉनिटर करेंगे। कंडीशन नंबर 4, तुम्हारा पल्स रेट हर वक्त चेक होता रहेगा और वो भी नॉर्मल होना चाहिए अंत तक। कंडीशन नंबर 5, नाइट शो, सिर्फ नाइट में ही देखना होगा। तो फिर बहुत सारे लोगों ने एंट्रीज भेजी होंगी ना? सिलेक्शन प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा उसी का नंबर पहला होगा। यार तुम दोनों कुछ साल पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, पर अब वो राम की बीवी है, ऊपर से वो तेरा बॉस है। अगर वो तुझे फोन करती है तो तू उसे गाली क्यों देता है? तो क्या उससे प्यार करूं? वो फोन करती है तो तुझे अच्छा भी लगता है? ये तुझसे किसने कहा? ठीक है, कल मैं उससे कह देता हूँ कि राम को डिवोर्स देके तेरे सामने आके खड़ी हो जाए, इससे तो तू खुश होगा ना? जब होगा तब देखा जाएगा। जब होगा तब देखा जाएगा? ए, वो सब छोड़। मतलब क्या, तुझे प्यार है या नहीं? छोड़ वो सब, इसे देख। ये फोटो कब निकाली? ये सारे फोटोज मैंने कल रात को नेट पर बैठ के निकाले हैं, सब फोटोग्राफी ट्रिक लगती है, देखना, ना वहां भूत है ना उसकी परछाई। अब ये सब मुझे क्यों बता रहा है? कल रात मैंने जो स्क्रीनशॉट निकाला ये उसकी पिक्चर है, यकीनन इसमें मौजूद इंसान फ्लैश या स्मोक का रिफ्लेक्शन है, पर ऑफिस में सारे इसे भूत कह रहे हैं। ए, ऐसा लगता है वाकई में कोई है। पागल हो गया है क्या? देख शांति का फोन होगा, कहना कि आधे घंटे में घर पहुंच रहा है तू। हेलो, कट मत कीजिए, मुझे आपसे 5 मिनट बात करनी है। वसंत मुझे अवॉर्ड क्यों कर रहा है मुझे पता नहीं, जैसा वो सोच रहा है वैसे मैं खुश नहीं हूँ। अभी मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ आप वसंत को जरूर बताइए प्लीज। 1 महीने पहले राम को मैंने वसंत के बारे में पहली बार बताया, तब से वो मुझसे ठीक से बात ही नहीं कर रहा, ठीक वक्त पर घर भी नहीं आता, मुझे वो पूरी तरह से अवॉइड कर रहा है। 10 दिन पहले स्टेट से एक राइटर कैथरीन यहाँ आई है, उसे उसने हमारे गेस्ट हाउस में रखा है, उसी के साथ काफी वक्त बिताता है। मुझ पर क्या बीत रही है मैं ही जानती हूँ, और किसी से ये बात भी नहीं कर सकती, पागल हो जाती हूँ। फोन करो तो वसंत फोन भी नहीं उठाता। मैं जानता हूँ तुम पर क्या बीत रही है, पर ये सब बातें वसंत से कहने से तुम्हें क्या हासिल होगा? आपको भी पता है हम प्यार करने से पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, वही दोस्ती अभी कायम रही तो क्या गलत है? एक बात कहता हूँ अच्छे से समझ लो मंजू, पहले जिस आदमी से प्यार होता है उसे दोबारा दोस्ती नहीं की जा सकती। चाहो तो मैं वसंत से दोबारा बात करता हूँ, पर तुम वसंत का पीछा छोड़ दो। देखो मेरी बात मान लो, आगे से तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम अपने हस्बैंड से शेयर करो और सॉल्व करो, वसंत को भूल जाओ, तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, फोन रखता हूं। अंदर आ सकता हूं? सर आप और यहां? यहां से गुजर रहा था तो सोचा मिल लूं। आइए ना, अंदर आइए। कल जो मैंने कहा उसका विश्वास हुआ? विश्वास की बात नहीं है सर, उस वीडियो के पीछे मेरे कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हैं, सारी फोटोग्राफी ट्रिक्स हैं सर, कुछ रेफरेंस इमेजेस भी आपको मेल कर चुका हूं मैं, आप देख सकते हैं। तुम पूछ लो ना। मुझे पूछना था कि आपकी कहानी की हीरोइन गर्भवती थी, क्या ये बात सच है सर? शहर से 13 किलोमीटर दूर शिवगढ़ नाम का एक गाँव है, सुना है
30 साल पहले वहां पर एक असाइलम हुआ करता था। ये किसी को नहीं पता। इसके बारे में डिटेल में रिसर्च करके एक फॉरेनर लड़की कैथरीन ने यह बुक लिखी है। यही मेरी कहानी की इंस्पिरेशन है। इन्हीं फैक्ट्स के बेसिस पर मैंने लिखना शुरू किया। उस जमाने में मेंटल अवेयरनेस के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। जिनका कोई नहीं था उनके रिश्तेदार उन्हें इस असालम में छोड़ के जाते थे। वहां शॉक ट्रीटमेंट काफी लोगों को दी जाती थी। उस असालम में जाने वाला एक अच्छा इंसान भी पागल हो जाता। वो जेल से भी बदतर था। उसी दौरान माया नाम की लड़की वहां आई। वो लोग ट्रीटमेंट के लिए जंगल के बीचों बीच एक बड़े खंडर जैसे बंगले का इस्तेमाल करते थे। बाकी हॉस्पिटल्स और इस हॉस्पिटल में फर्क यह था कि यहां एडमिट किए पेशेंट्स के ना कोई रिश्तेदार होते थे और ना ही कोई माँ बाप। वहां इन लोगों के साथ बड़ा ही क्रूर व्यवहार किया जाता था। और फिर कुछ अरसे बाद पता चला कि वहां पर मौजूद पेशेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उन पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। फिर चाहे उन पर कितने भी साइड इफेक्ट्स क्यों ना हो जाए, और तो और उन इंसानों की मौत के बाद भी उनका इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ के अत्याचार से तंग आकर कई लोगों ने यहाँ से भागकर जाने की बहुत कोशिश की। मरे हुए सारे पेशेंट्स को हॉस्पिटल के पीछे ही दफनाया जाता था और उनके सारे रिकॉर्ड्स भी उन्हीं के साथ दफनाए जाते थे। इतना ही नहीं, उनकी सारी पर्सनल चीजें भी उन्हीं के साथ दफनाई जाती थीं। उस हॉस्पिटल में होने वाले अत्याचार को देखकर हॉस्पिटल के एक स्टाफ से देखा नहीं गया और वो वहां से भाग गया। और फिर कुछ साल बाद और भी लोग वहां से भाग निकले। जब इन सब से अतीत के बारे में पूछा गया तब उन सब के जहन में सिर्फ एक ही नाम आया था, माया। माया मैथ्यूज मेरी कहानी की असली हीरोइन है। काफी अमीर लड़की थी। उसने दुनिया से छुपकर लव मैरिज की थी। उसकी पहली एनिवर्सरी में उसे दो बातें पता चली। एक ये कि वो प्रेग्नेंट थी और दूसरी ये कि उसके पति के दूसरी औरत के साथ गैर कानूनी संबंध थे। उस रात को उसके पति की मौत हो गई। माया ने उसके खाने में जहर मिला दिया था। माया ने पागलपन के चलते उसके पति को मार दिया। ऐसा कहकर उसे असायलम में भर्ती करा दिया गया। एडमिट होने के बाद वो किसी से भी कोई बात नहीं करती थी। वो रूम में बैठकर सिर्फ डायरी लिखा करती थी। आठ महीने हो गए और उसकी डिलीवरी हो गई। बच्चे को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पर हॉस्पिटल वालों ने उसे बच्चे से दूर कर दिया। उसके बाद उस बच्चे का क्या हुआ यह किसी को नहीं पता। हॉस्पिटल में कोई पूछने वाला नहीं था। सिर्फ उन्हीं लोगों की मनमानी चलती थी। माया, तुम्हारा बच्चा हमारे पास नहीं है, ऐसा सारे हॉस्पिटल वाले माया के कमरे के बाहर चिल्लाकर उसका मजाक उड़ाते थे। फिर एक दिन उसने वहां से भागने की कोशिश की पर नाकामयाब रही। वहां के लोगों का कहना है कि उस पर किए गए एक्सपेरिमेंट के साइड इफेक्ट्स की वजह से माया की आंखों की रोशनी चली गई। इस हादसे के एक हफ्ते बाद माया ने बिल्डिंग की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। ये सुसाइड था या एक्सीडेंट ये किसी को नहीं पता। माया को दफनाते वक्त उसके साथ तीन चीजें दफनाई गई थीं। एक तो उसकी लिखी हुई डायरी, दूसरी चीज उसके बच्चे का खिलौना जो कि चाबी से चलता था और आवाज करता था। उसके मरने के बाद आधी रात को उसके वार्ड में वो आवाजें सुनाई देती थीं। और आखिरी चीज थी एक हीरे की अंगूठी, माया की वेडिंग रिंग। असाइलम में जब वो एडमिट हुई थी तब वो उसी के पास थी। उसके बाद उस हीरे की अंगूठी के साथ दो चीजें हो सकती थीं। पहले, माया की मौत के बाद लोगों ने उसे डायरी, खिलौने और रिंग के साथ दफना दिया होगा। और दूसरी, उसे हॉस्पिटल में पागल कहकर एडमिट कराने वाले रिश्तेदार ने पैसों के लालच में आकर उस रिंग को चुरा लिया होगा। कुछ भी हो, आज की तारीख में उस हीरे की अंगूठी की कीमत है 13 से 14 करोड़ रुपए। क्या कहा, 13 से 14 करोड़ रुपए? माया को गुजरे कितने साल हो गए सर? 24 साल। तो आज तक किसी ने उस हीरे की अंगूठी को तलाश क्यों नहीं किया? तुम करोगे? मेरी बीवी जरूर करेगी।
इस बात की सच्चाई को जानने के लिए काफी लोगों ने उस अंगूठी को ढूंढा, पर जो वहां गया वो वापस नहीं लौटा। क्यों? ऐसा है कि एक अनजान आदमी उस अंगूठी की तलाश में शमशान गया था, पर वो वापस नहीं लौटा। कुछ दिनों बाद उसके दोस्त भी उस अंगूठी को ढूंढने निकले, पर वो भी वापस नहीं आए। पुलिस कंप्लेंट देकर जब कुछ लोग वापस आ रहे थे तो उन्हें वहां पर कुछ आवाजें सुनाई दी। जब वो पास गए तो ऐसा लगा कि कुछ लोग बहुत काम कर रहे हैं, बहुत शोर था। क्या वहां कोई था? हाँ, सिर कटे हुए लोग। हाँ? उस हादसे के बाद वहां पर कोई नहीं जाता, अगर जाना भी हो तो सिर्फ दिन के वक्त जाते हैं, रात में जाने की उनकी हिम्मत नहीं होती। क्या हुआ, माया की कहानी और अंगूठी के बारे में सुनकर तुम्हारी बीवी ने तुम्हें मदन के साथ भेज दिया? हाँ? ये कहानी सुनकर आने वाले दो दिन तक गाड़ी चलाने बोले तो फटी पड़ी है। हे, घर पे भाभी अकेली है, सर को छोड़ के जल्दी घर पे आ जाना। सर, गाड़ी में बैठकर कुछ और कहानी मत सुनाना। बाय सर। सी यू वसंत। हम दोनों की नहीं जमेगी ये बात, मैं महीने में 100 बार तुमसे कह चुकी हूँ। कितनी बार बीच रास्ते में मैं तुमसे कितने झगड़े कर चुकी हूँ, तुम्हारे फोन कॉल्स मैसेजेस कितनी बार मैं इग्नोर कर चुकी हूँ। ये सब छोड़कर कल तुमने मुझसे ये क्यों कहा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? इतना महंगा एनिवर्सरी गिफ्ट, ये बहुत ही महंगा गिफ्ट है, मुझे कुछ नहीं चाहिए अरविंद। रेडी, रोल कैमरा, एक्शन। ये सब छोड़कर कल तुमने ये क्यों कहा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और इतना महंगा गिफ्ट, मुझे कुछ नहीं चाहिए अर्जुन। सॉरी सर, और एक बार करते हैं। हम दोनों की नहीं जमेगी ये बात मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी। मुझे और अर्जुन को एक्टिंग से बहुत प्यार था। स्कूल के दिनों से ही हम बहुत सारे ड्रामास स्टेज प्लेस कर चुके थे। पढ़ाई खत्म होने के बाद हमने शादी कर ली। शादी के बाद भी हम दोनों के बीच कुछ नहीं बदला। हम बहुत ऑडिशंस देने लगे, चांस नहीं मिला तब भी हम बहुत खुश थे।
उसी वक्त मेरी मीरा हम दोनों की जिंदगी में आ गई। जब मैं कंसीव हुई तब अर्जुन ने कहा कि मैं अबॉर्शन करवा लूं, पर मैं नहीं मानी। इस बात को लेकर हम दोनों के बीच काफी बहस हुई। दरअसल प्रोड्यूसर ने मुझे लीड रोल ऑफर किया था, कहा कि 2 महीनों में शूटिंग शुरू हो जाएगी, शायद वो मेरा बड़ा ब्रेक हो सकता था। अर्जुन जब अबॉर्शन की जिद कर रहा था तो मैंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। हम रोज झगड़ते थे। उस वक्त अर्जुन की फर्स्ट प्रायोरिटी मैं और मीरा नहीं बल्कि पैसा था। उसने कहा दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। मैंने मीरा को चुन लिया। उस वक्त मैंने अर्जुन का घर छोड़ दिया और स्वाति के घर चली आई। मैं मीरा के बारे में सोचती रही। जिस तरह से मेरी जिंदगी है, मैं नहीं चाहती कि मीरा की जिंदगी भी वैसी हो। आपके पेरेंट्स? वो दोनों डॉक्टर थे। कार एक्सीडेंट में दोनों गुजर जाने के बाद जिंदगी काफी मुश्किलों से गुजरी। आज मेरा 1 साल की हो गई है। जिस दिन से मैंने वो घर छोड़ा है तब से लेकर आज तक स्वाति ही मेरी सारी जिम्मेदारी ले रही है। उसके इन एहसानों का बदला मैं कैसे चुका पाऊंगी मुझे नहीं पता। आज तक मैंने बहुत ऑडिशंस दिए पर मैं एक सिंगल मदर हुई बात जानकर कई लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। आज तक मुझे सही मौका नहीं मिला। अब तक अपने खर्चे चलाने के लिए एड फिल्म्स करते आ रही हूँ। पता है ये मुश्किल है, पर मेरी पैशन को जिंदा रखकर मीरा की मैं अच्छी परवरिश कर सकती हूँ। डॉक्टर, मैं सिर्फ एक अच्छे ब्रेक का इंतजार कर रही हूँ। गुड अप्सरा, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। अगले हफ्ते और एक सेशन करते हैं, ओके? चुप हो जाओ। स्वाति, एक मिनट रुक यार। अच्छा सुन, अफसरा घर पर ही है, बात करके फोन करता हूँ। हाँ ठीक है। पिछले महीने की 15 तारीख को तुमने कहा तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे, तभी मैंने आपको फोन करके कहा कि चेक तुम्हारा बाउंस हो चुका है, 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया। चेक में ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुकी हूँ, आज आना चाहिए था पर नहीं आया, कल जरूर आएगा। मैं भी कल अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं इसी घर में डेरा डालूंगा, आई बात समझ में? ये मेरी दोस्त का घर है। दोस्त का घर है तो उससे लेकर मुझे पैसे दे दो, कुछ भी करो मुझे मेरे पैसे चाहिए। कल सुबह 10 बजे तुम्हारे ऑफिस के सामने खड़ा रहूंगा।
बात करके कोई फायदा नहीं। सर शूटिंग में है, आप उनसे बात कीजिए। आप उन्हें फोन कीजिए मैडम। चेक बाउंस हो गया है, प्रोड्यूसर का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। तुम्हें उसका ऑफिस पता है ना, सीधे वहीं चली जाना, बिना पैसे लिए वहां से निकलना मत। स्टीपला तुम बिजी हो क्या? वो हैंडीकैम पूरी तरह से चार्ज नहीं हुआ है, उसे चेक कर लेना। अप्सरा मैंने तुम्हें कॉन्टेस्ट के बारे में बताया था ना कि इस फिल्म को आधी रात को अकेले देखना है। इसे देखने पहली बार एक डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ आ रहा है, आज शाम को ही स्क्रीनिंग है, इसीलिए मुझे यहाँ रहना ही होगा, वरना मैं तुम्हारे साथ आ जाती। तुम वहाँ जाकर मुझे फोन करना, बिना पैसे लिए वहाँ से निकलना मत, ठीक है? ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए। दूसरी बार हो चुका है, ऐसा और कितनी बार होगा? हेलो, उनका मोबाइल ऑफ आ रहा है मैडम, आपको उनसे ही बात करनी होगी। कब आएंगे पता नहीं, आज ऑफिस की छुट्टी है, आप मंडे आ सकती हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे आज ही मिलना है। ठीक है, आप वेट कीजिए। देर से बोल रही हूँ, आपकी बेटी कब से रोए जा रही है, आप कब तक आने वाली हैं? ओहो पता नहीं, शायद मुझे एक घंटा और लगेगा। उसे कुछ खाने के लिए देकर देखिए ना। वो खा ही नहीं रही है, अगर आप आ जाती तो अच्छा होता मैडम। आप जल्दी आने की कोशिश कीजिए और आते वक्त इस महीने की फीस जरूर लेकर आइए। तो थोड़ी देर एडजस्ट कर लीजिए ना, मैं जितनी जल्दी हो सके आती हूँ, प्लीज जल्दी आइए मैडम। ठीक है, थैंक यू। मैंने शो के बारे में बहुत लोगों से अच्छा सुना है। शो कितने बजे खत्म होगा? अच्छा जरा एक मिनट मैडम। आपको आरके सर का केबिन कहाँ है पता है? पता है, क्यों? वो वहीं पर है, अगर आप जल्दी जाएंगी तो वो आपको मिलेंगे। ओके थैंक्स। मेंशन नॉट। हेलो, पैसे मिल गए क्या? हे, स्क्रीनिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूटर आने वाला था ना, उसका नाम क्या है? संजय सिंह। वही फ्रॉड है जिससे मुझे पैसे लेने हैं। ओह ये तो अच्छा हुआ, एक काम कर यहाँ पर जल्दी आ जा, फिल्म खत्म होने में और आधा घंटा है, उससे पहले ही आ जाना। ऑटो। सर 8th क्लास से हम दोनों साथ में ही घूम रहे हैं, वो पढ़ाई में आगे निकल गया और मैं हमेशा की तरह पीछे रह गया। काफी देर बाद अकल ठिकाने आ ही गई। जब मैं बेकार घूम रहा था तो उसने मुझे ऑटो दिला दी। बहुत अच्छे से सेट हो गया वसंत। पता है मैंने जो कुछ कहा उसे मत मानना। अरे वो बात छोड़िए सर, रात होने पर माया का नाम नहीं लेना चाहिए और शाम होने पर शमशान नहीं जाना चाहिए, ये बात तो आप ही ने बताई है ना सर। आपको इन बातों से डर नहीं लगता क्या सर? डर तो मुझे भी लगता है, पर जो काम शुरू किया है उसे खत्म करना है। आखिरी एपिसोड अगले हफ्ते आने वाला है, मैं उसी की रिसर्च में निकला हुआ हूँ। किसके बारे में? उस हीरे के बारे में। उस असाइलम में मरे हुए पेशेंट्स को ले जाने के लिए एक स्ट्रेचर का इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ के लोगों का कहना है कि वो आज तक उस शमशान में दिखता है, और अगर रात में उसे देखें तो उस स्ट्रेचर पर हमेशा एक डेड बॉडी होती ही है।
मैं उसी के बारे में जानने वहां जा रहा हूं, और बात सही हुई तो फोटो भी खींच लूंगा। ज्यादा टाइम मत लगाइएगा, जल्दी आ जाइएगा। हाँ हाँ, फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। हाँ, स्ट्रेचर ना मिले तो कोई बात नहीं, पर वो हीरा मिले तो जरूर ले आइएगा। अगर हीरे का इतना शौक है तो चलो मेरे साथ। सर, मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि कब्र में अपना हाथ डालूं। मदन सर, मदन सर, मदन सर, मदन सर, मदन सर,
मदन सर को संभाल कर ले जाना। और देख, कितना भी लेट हो जाए, मदन सर को किसी भी तरह घर छोड़ के ही आना, ठीक है ना? राम, मैं वसंत बोल रहा हूँ। अरे मदन सर को क्या हुआ है? कल रात के बाद उनका कोई अता पता नहीं है। आज सुबह से फोन कराओ लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। क्या हुआ वहां पर? हाँ हाँ, अच्छा मैं मैसेज करता हूँ, बाय। शंकर, तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ? मैंने तो उन्हें पहले ही समझाया था, अब आप लोग भी संभल के रहिए। अरे उस सामान को जरा वहां रख दो। अच्छा एक काम कीजिए, रात में जाके वहां पर देखिए कोई बॉडी है या नहीं, ठीक है? बॉडी तो उनकी मिलने से रही, अगर मिल भी गई तो मैं उनकी फोटो खींच के आपको भेज दूंगा। याद से करना शंकर। हाँ, सर वो तो किसी से बात ही नहीं करते थे, घर से कभी बाहर नहीं निकलते थे वो। पिछले हफ्ते एक बड़ी अजीब बात हुई, आधी रात को बिल्डिंग के टेरेस पे दीवार पे जाके खड़े हो गए वो। हम में से किसी ने देखा तो उन्हें फिर नीचे उतार लाए। बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि अगर नीचे देखो तो डर लगता है। हेलो, बोलो शांति, रो क्यों रही हो? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ पर गया है वो? कुछ ही देर पहले मेरे साथ थे, मैं जैसे ही किचन से लौटी वो कमरे में नहीं थे। तुमने आसपास के घरों में देखा? मैंने हर जगह तलाश की, वो कहीं भी नहीं मिल रहे हैं भैया। ठीक है, तुम रोना मत, मैं बस अभी पहुंच ही रहा हूँ, तुम डरो मत। कुछ नहीं, वो आसपास ही कहीं गया होगा, मैं आकर देख। किसी ने सोचा ही नहीं था। प्लीज वसंत, रोना मत, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, यू डोंट हैव टू फील गिल्टी। हाँ बोलो। ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, आप एक काम करिए, आगे जाके रुकिए ना। क्या? मैं आगे जाकर रुकूं? अच्छा सुन, ठीक 9 बजे आ जाना। 9 बजे? पर वहां तो बहुत अंधेरा होता है ना। तो क्या हुआ, डर लग रहा है? पैसे तो मिलेंगे ना तुम्हें, मेरी बात सुन, वहां पर पहुंच जा, बाय। It's going to be okay. Hello?
कल जो मैंने कहा उसका विश्वास हुआ? तुमने और तुम्हारे दोस्त ने जो किया बहुत गलत किया। स्वाति, स्वाति, thank you.
माया, तुम्हारा बच्चा मेरे पास नहीं है। पुलिस की परमिशन लिए बिना और ना ही किसी मेडिकल सपोर्ट के आप एक किस तरह का कॉन्टेस्ट कर रहे हो? हाँ, किसी की जान चली जाने के बाद आप इन्फॉर्म करते हो? सर, वो बहुत पहले से हार्ट पेशेंट थे। एग्रीमेंट करने से पहले 3-4 बार पूछा भी था उनसे, तब उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसलिए हम भी राजी हो गए। पर जैसे उनकी पल्स रेट बढ़ी तो हमने फौरन मूवी बंद कर दी थी। इमरजेंसी कॉल भी किया था, उनके घर वालों को भी इन्फॉर्म किया। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? इस कॉन्टेस्ट को आप यहीं रोक दीजिए, वरना मुझे आप पर कानूनी कार्रवाई करनी होगी। कल सुबह आपको पुलिस स्टेशन आना होगा, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। Thank you.
कल रात भर फिल्म को आगे पीछे करके चेक करते रहे, काफी डिस्टर्ब लग रहे थे और रात भर काफी दारू भी पीते रहे। यहाँ पहले से एक टेंशन कम थी जो इन्होंने दूसरी भी पाल रखी है। मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा है, जब से फिल्म शुरू हुई है तब से प्रॉब्लम्स है। शूट में भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई पता है ना? मुझे सर से बात करनी ही होगी। मैंने देखा विक्की, मैंने देखा कि वो किस तरह डर के मारे उस तरफ भाग रहे थे। मरने से पहले वो काफी कुछ बोल रहे थे। सर, ऐसा कोई भी सीन हमारी फिल्म में नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने क्या क्या शॉट्स लिए हैं वो तो हमें पता ही है सर। उस आदमी को तो हम 3 दिन पहले ही मिले हैं, वो हमारी फिल्म में कैसे हो सकता है? मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा ना? तो और एक बार फिल्म चला लो और खुद बैठ कर देख लेना। सर, दूसरा कोई और मुर्गा नहीं मिला क्या? कह रहा हूँ दरवाजा खोलो। अब दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हैं? आपने कहा था आज पैसे मिल जाएंगे, आज मैं किसी भी हालत में पैसे लेकर जाऊंगा। खोलो दरवाजा। फोन करो तो उठाती नहीं है, हाँ? जब घर चाहिए था तो कैसे गिड़गिड़ा रही थी? खोलो, आज क्या हुआ? खोलो वरना तोड़ दूंगा। तुमने रील चेक की क्या? मैंने सब चेक किया सर, सब सही है। पता नहीं, उसमें कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मैं एक बार और देखना चाहूंगा। मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं है क्या सर? ऐसी बात नहीं है, बस वो रील मैं दोबारा देखना चाहता हूँ। शायद यही हमारी फिल्म का सेलिंग पॉइंट बन जाए, फिर सारी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में पब्लिसिटी आराम से होगी, ये सही रहेगा। फोन उठाओ, बात करो। बोल अप्सरा। कहाँ हूँ? ऑफिस में हूँ, क्या बात है? मुझे तुम्हारी फिल्म अकेले देखनी है, आरके से पूछकर तुम कुछ अरेंज कर सकती हो? तुम पागल हो गई हो क्या? पता है ना प्रोड्यूसर का कल क्या हुआ? स्वाति, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, आरके से बात करके मुझे। फोन बंद करके सो जाओ, ठीक है? बाय। सब होने के बाद अप्सरा को फिल्म दिखाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है सर, और आप हो के उसे मना करने के बजाय उसे अकेले में फिल्म देखने के परमिशन दे रहे हैं। उसे कुछ हो जाए तो अर्जुन सर को क्या जवाब देंगे? उसकी बच्ची को देख रहे हैं ना, वो सिर्फ 1 साल की है। ऐसा कुछ नहीं होगा स्वाति, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। हम थोड़ी देख रहे हैं कि उसमें भूत है या नहीं, और वो अकेले देखेगी तो उसे 5 लाख मिलेंगे ना, और पब्लिसिटी भी मिलेगी। आफ्टर ऑल 5 लाख उसके लिए कितने यूजफुल होंगे? सर, पैसे हमेशा यूजफुल होते हैं, पर इसके लिए अपनी जिंदगी का कुछ समझो। जब उसने ऑडिशन दिया था तब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अगली फिल्म में मैं उसे रोल जरूर दूंगा। ये बात सच है कि ये उसे पता नहीं है। अर्जुन अप्सरा को एक साथ कास्ट करूंगा, आई प्रॉमिस। अगर फिल्म के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं फिल्म रोक दूंगा ना, यकीन करो। सर, एक बार फिर से सोच कर देखिए। मैं चाहती हूँ एक बार इन विजुअल्स को देखने के बाद ही तुम अपना डिसीजन लो। ये देखो, मुझे पता नहीं है कि तुमने ये सारी फिल्में देखी हैं या नहीं, पर इन सारी फिल्मों में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आई। इन फिल्मों के शूटिंग से लेकर रिलीज होने तक शूटिंग लोकेशन पर कभी कभी लीड एक्टर्स टेक्नीशियंस मर भी चुके हैं,
ये देखो, इस फिल्म का नाम पोर्टगेस्ट है। इस फिल्म के चार लीड एक्टर्स इस फिल्म के रिलीज होने के कुछ साल बाद ही मर गए। किसी की भी नेचुरल डेथ नहीं है। ये लियो नाम की लड़की खून भी कर चुकी है। इसके नाम पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। इस फिल्म का अपनी फिल्म से क्या लेना देना है? लेना देना है सर। इस फिल्म के एक सीन में एक इंसान के कंकाल को प्रॉपर्टी के तौर पर यूज किया गया है। आर्टिफिशियल कंकाल का इस्तेमाल करने के बजाय उन्होंने सच में किसी मरी हुई औरत का कंकाल इस्तेमाल किया। इसी से सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत हुई ऐसा लिखा है। ठीक है, पर ये सब अब क्यों कर रही हो? ऐसा कहते हैं कि आग के करीब नहीं जाना चाहिए, पर अप्सरा जानबूझ के इस आग में खुद कूद रही है। सेट डालते वक्त आर्ट डायरेक्टर ने कहा था, पर आप ही नहीं माने। तब से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। एक बार आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया। शायद आपको इस बात पर विश्वास नहीं हो, पर अगर सोचकर देखा जाए तो 3 साल पुरानी है और मुझे फिल्म को आगे ले जाना है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, मैं अरेंज करती हूँ। अर्जुन से बात कर लेते हैं। अपनी जिद छोड़ो। अरे सुनना, ब्लडी मेरी के बारे में सुना है क्या? क्या बोला? ब्लैकबेरी? क्या ब्लैकबेरी? अरे नहीं यार, वो नहीं। अरे सारे पेपर्स में जिसका जिक्र हो रहा है ना, ब्लडी मेरी दो बार कहोगे तो तुम्हें भूत दिखाई देती है, पता है ना? क्या यार, इतनी रात गए, मैं ही मिला तुझे खिंचाई करने के लिए। इन सब पर तुझे विश्वास नहीं है? किस पर? क्या बात कर रहा है तू? ठीक है, कार्ड डाल दो। यार कल रात एडिटर ने कहानी मेल की थी, भूत की कहानी। पढ़कर खत्म करने के बाद उसके स्केचेस भी बना दिए, पर आज तक इस तरह मैं कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। आसपास क्या होता है मुझे कुछ भी होश नहीं रहता, पर कल रात जब इन सब से अतीत के बारे में पूछा गया, तब उन सब के जहन में सिर्फ एक ही नाम आया था, माया। माया मैथ्यूज मेरी कहानी की असली हीरोइन है। उसने दुनिया से छुपकर लव मैरिज की थी। उसकी पहली एनिवर्सरी में
उसे दो बातें पता चली। एक ये कि वो प्रेग्नेंट थी और दूसरी ये कि उसके पति के दूसरी औरत के साथ गैर कानूनी संबंध थे। उस रात को उसके पति की मौत हो गई। माया ने उसके खाने में जहर मिला दिया था। माया ने पागलपन के चलते उसके पति को मार दिया, ऐसा कहकर उसे असायलम में भर्ती करा दिया गया। वो रूम में बैठकर सिर्फ डायरी लिखा करती थी। 8 महीने हो गए और उसकी डिलीवरी हो गई। हॉस्पिटल वालों ने उसे बच्चे से दूर कर दिया। इस हादसे के 1 हफ्ते बाद माया ने बिल्डिंग की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। तुमसे एक बात छुपाई थी, प्रोड्यूसर की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई। तो फिर अपनी फिल्म देखते वक्त उनकी पल्स रेट बढ़ गई थी।
सर बहुत खोद दिया सर, अब इससे ज्यादा नहीं होगा सर, इतना खोद चुका हूँ, ना तो हीरे मिले और ना ही पैसे, अब तक दो कब्र खोद चुका हूँ। अबे तो खोद, जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा, पैसे तो मिलेंगे ना तुझे। निकाल। सर इसमें भी कंकाल के अलावा और कुछ नहीं है। अबे ठीक से देख, कुछ तो होगा। कुछ भी नहीं है। अबे सर ध्यान से देखना, पिछले एक महीने से ढूंढ रहा हूं, मुझे अच्छे से पता है ये नहीं है वो। शिट। चेक हिज कैमरा। तुझे कैसे पता चला हम लोग यहाँ पर है? हाँ? क्या पीछा कर रहा था? तू अकेला है या वो भी साथ में है? हाँ? उसका पीछा कर रहा है तू? हाँ? मेरी बात सुनो राम। क्या? पहले जैसा हमारे बीच कुछ नहीं है। कौन है वहां पर? ए, कौन है वहां? मुझे नहीं पता। कौन है तुम? तुमसे पूछ रहा हूं। हाँ? क्या थी? फिलहाल इन दोनों को साथ में रखो, बाद में देखते हैं क्या करना है। बात करो उससे।
लाउड स्पीकर पे रख, मेरी बीवी है, जानना चाहता हूँ तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, उठाओ उसका फोन। हेलो वसंत, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हेलो ओके सिर्फ ओके, डिस्टर्ब हो मैं जानती हूँ, कम से कम आज के दिन तो मुझसे पहले की तरह बात करो प्लीज, क्या मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं है? हेलो हेलो, अकेले ही हो ना, क्या मैं आकर तुमसे? अच्छा तो बर्थडे है, बता नहीं पहले, तो चलो काटते हैं केक। उस दिन जब उसने तुम्हारे बारे में कहा तभी मुझे शक हुआ था, उस दिन कॉफी शॉप पे बैठकर हाथ में हाथ डालकर बातें हो रही थी, दोस्त मर गए इसलिए सिंपथी हासिल कर रहे थे। वैसे दोस्त की बीवी में इतना इंटरेस्ट क्यों है? राम राम, पहले की तरह कुछ नहीं है। पहले की तरह कुछ नहीं है लेकिन कुछ तो है ना? हाँ तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तेरी तो मेरा यकीन करो राम, एक बार मेरी बात तो मान लो। उस दिन मंजू मुझे सिर्फ दिलासा देने आई थी और कुछ नहीं है। ए, निकालना उसे। नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। यो यहां बरा, उसे निकाल बाहर। अरे पागल हो गया हो क्या? मुझे नहीं मरना। तेरी तो आजा यहां। चांदर चांदर चल अंदर जा, खोलो से, खोलो से, देख क्या रहा है, खोलो से। ले, ये ले। अबे खोलना उसे। तरफ क्या देख रहा है? उसे खोलना, खोल उसे। ये क्या सर? कुछ भी नहीं है इसमें, पर अंदर से तो आवाज आ रही थी। अब सुन, तू यहां पर आ, उसे बाहर निकाल। यहां पर आ, ले इसे, संभाल इसको। ए, चल क्या थी? कम हियर, आई थिंक वी हैव फाउंड द राइट कॉफिन। आर यू श्योर? इट मस्ट बी हियर। दिस इज द डायरी मैडम वाज टॉकिंग अबाउट, राइट? यस राम, यस। Come on, come on, come on. Look, 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 look.
सर मैं अभी गेट की एंट्रेंस पे खड़ा हुआ हूँ, जल्दी आइए ना सर प्लीज। सर आपको पता नहीं कि पिछले एक महीने में मैंने आपके लिए कितने रिस्क लिए हैं।
डिपार्टमेंट को जवाब देते देते थक चुका हूं मैं। जल्दी आ जाइए सर। सर जितना कहा उससे ज्यादा ही लेकर आइएगा, जितनी जल्दी हो सके आइए सर। बहुत इंतजार करवा दिया यार। ये क्या हो रहा है? बस फोन है? आप यहां पर कैसे आई? मैं झुक जाता हूं, आप मेरे पीठ पर पैर रखिए, यहां से निकल जाइए। पास आइए, ज्यादा सोचिए मत, भगवान के लिए यहां से निकल जाइए। संभल के, संभल के।
मेरे लिए टाइम वेस्ट मत कीजिए, यहाँ से निकल जाइए, मैं कैसे भी निकल जाऊंगा। क्या हुआ, सोच कर रही है भागी है यहाँ से? टाइम वेस्ट मत कीजिए, जाइए यहाँ से। Thank you.
जो भी हुआ वो एक सपने की तरह लग रहा है मुझे। इतने सालों से जिस इंसान के पास ये डायरी और खिलौना था वो आ चुका है, सिर्फ एक हीरा नहीं मिला। लेकिन उसे तो उसके साथ ही दफनाया था ना? नहीं, मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था। इसकी माँ को जिस आदमी ने अस्पताल पहुंचाया था उसी आदमी के पास वो हीरा था। इसकी माँ को पागलखाने में छोड़कर वो हीरा लेकर भाग गया। पता है वो कौन है जिससे तुम्हें पैसे लेने थे? प्रोड्यूसर ब्रिज ठाकुर। उसके बारे में फिल्म का कोई जिक्र तो नहीं? ये जानने के लिए वो यहां आया था और ये सब कुछ मुझे आरके ने ही बताया। हमारी ये फिल्म रात भले ही खत्म हो गई हो,
लेकिन माया की कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। इसी कहानी पर मैं एक और फिल्म बनाने वाला हूँ और उसमें इस कहानी को बहुत आगे ले जाऊंगा। रात टू। उसके मरने से पहले वो हीरा उसके पास जरूर होगा, लेकिन वो हीरा कहाँ गायब हो गया ये तो आरके को भी नहीं पता। हम उसे ढूंढ निकालेंगे, तुम चिंता मत करो। नहीं। क्यों? नहीं। दोनों फिल्म हम एक साथ रिलीज करेंगे, इसलिए जल्दी शूटिंग शुरू कर देंगे। और इस फिल्म में माया का कैरेक्टर एक्ट्रेस अप्सरा निभाने वाली है और उसे सेलेक्ट करने के लिए खास रीजन है। कहानी में जो माया है वो असल में अप्सरा की माँ है। जल्दी आओ। या कमिंग यार। जल्दी आओ बोलो। इतने आराम से चलोगी तो डायरेक्टर सब पर चिल्लाएगा। हाय स्वाति। नए ड्रेस में बड़ी अच्छी लग रही हो। मैं बिजी हूँ, क्या तुम भी? क्या हुआ तुमको, वो मिला क्या? वो मैडम एक आदमी को भेजा, वो लेकर आता हूँ। आदमी को भेजा है? इस जगह से निकलने के लिए एक घंटा लगता है, वो कैसे आएगा? चाय पिला जल्दी। राजा, वो चेयर जरा पीछे लेना। करता हूँ सर। अरे उस व्हीलचेयर के पीछे की लाइटिंग जरा डार्क रखना। हाँ सर। सुनो जरा जल्दी करो। ए कितनी बार बोला यार, ऐसे थोड़ी ट्रॉली। जल्दी लाओ, क्या कर रहे हो? हटो यार। ऐसे खड़ी रहोगी तो मैं भी डर जाऊंगा। कम से कम इस तरफ तो मुंह कर लो। अबे ओए, अकल के अंधे लाइट इस तरह नहीं पकड़ते। कितनी बार समझाऊं? एक छोटी प्रॉब्लम है सर। अब क्या हुआ? अब माया के लिए जो हीरे की अंगूठी लेकर आई थी वो लाना भूल गए सर। सहदेव ने भी मुझे ये बात अभी बताई। फोन पर उसे याद दिलाया था, वो आदमी गया है उसे लाने। जाओ। ठीक है सर, जल्द से जल्द अरेंज करती हूँ। जैसे ही अरेंज होता है बता देती हूँ। राकेश कहाँ हो तुम? राजा वहाँ लाइट डार्क रखना। कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। सी, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। इस शॉट को तुम्हें सबसे बेहतर करना है, ठीक है? आई नो इट्स पेनफुल। क्या मैं ये कर सकती हूँ? बिल्कुल, सब ठीक होगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, ओके? हे, 5 मिनट में शॉट रेडी होगा, तुम तैयार हो ना? ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। अर्जुन तुम्हें सर ढूंढ रहे हैं, चलो यहाँ से, चलो चलो। मेरा नाम माया।